हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटी की टेस्ट सीरीज करेंगे और हम लोगों का टॉपिक होगा वित्त आयोग। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, उनको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ए ऑप्शन है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। बी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। सी है केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। डी है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंशदान निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो फिर जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है और 5 वर्ष के अंतराल के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है ये है, मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच में ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। और वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इससे पहले वित्त आयोग का गठन, जो सबसे पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। और जो प्रेजेंट टाइम में 15वें वित्त आयोग है वो है एनके सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। ए ऑप्शन वित्त आयोग, बी अंतरराज्य काउंसिल, सी योजना आयोग और डी सहकारिता आयोग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय वितरण होता है वित्त आयोग की सिफारिशों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र तथा राज्यों के मध्य में वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुति के आधार पर होता है। ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी लोक लेखा समिति, सी वित्त आयोग और डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। केंद्र राज्यों के मध्य में वित्त आयोग के द्वारा वित्त विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। ए ऑप्शन वित्त आयोग, भी अंतरराज्य काउंसिल, सी ऑप्शन केंद्रीय मंत्रालय और डी ऑप्शन है योजना आयोग। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र राज्यों के बीच में राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा वित्त आयोग करता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र एवं राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। ए ऑप्शन योजना आयोग, बी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद, सी वित्त आयोग और डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आय के वितरण के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक यानी कितने वर्षों में किया जाता है। ए ऑप्शन तीसरे वर्ष, बी दूसरे वर्ष, सी पांचवें वर्ष और डी चौथे वर्ष। तो यहाँ पर जो है तीसरे वर्ष, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ए ऑप्शन 4 वर्ष की अवधि के लिए, बी 5 वर्ष की अवधि के लिए, सी 7 वर्ष की अवधि के लिए, डी 10 वर्ष की अवधि के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष में और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर अभिकथन ए वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करते हैं। फिर यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कारण आर, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत व राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत व राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ऊपर दिए वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह जो है ए ऑप्शन गलत है किंतु आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत संसद विधि द्वारा उन आयर्ताओं को जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेंगी, इसी के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग अधिनियम 1951 यानी 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं की नियुक्ति कार्यकाल आयर्ता वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि अभिकथन जो है ए असत्य है और जो है बी यानी कि ए असत्य है और आर सत्य है। 280 आर्टिकल 280 फर्स्ट में के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य, वहाँ नीचे कार्य दिए हुए हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सही है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देगा। दूसरा दिया है प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना। तीसरा दिया है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार। चौथा दिया है संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, जिसमें से दूसरा और तीसरा सही है। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना और तीसरा जो है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे। आर्टिकल 283 के अनुसार वित्त आयोग के कार्य दिए गए हैं, जिसमें पहला है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों या सिद्धांतों की अनुशंसा करना। दूसरा दिया है संघ तथा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। तीसरा दिया है राज्यों के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। और चौथा दिया है कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा और भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य होता है। और संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख जो है वित्त मंत्रालय करता है। तो इस तरह हमारा दूसरा और तीसरा जो दिया हुआ ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग का मुख्य कार्य बताना है। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र और द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण। और दूसरा दिया हुआ है राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण। तीसरा दिया हुआ है केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण। चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग के राष्ट्रपति को संतुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ए ऑप्शन है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। बी ऑप्शन है राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से।
और सी ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी, डी है ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ए तथा बी, यानी ये राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और बी राज्यों एवं केंद्र के बीच में करों के बंटवारे से वित्त आयोग से राष्ट्रपति को संतुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित हैं। ये दोनों ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। ए ऑप्शन है वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन है वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। डी ऑप्शन है वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता। डी ऑप्शन है ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 283 के तहत भारत का वित्त आयोग के मामलों में सुझाव देता है। नंबर एक है संघ और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगमों का वितरण। दूसरा है 275 आर्टिकल 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। और तीसरा जो सुझाव देता है वो है राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों यानी कि पंचायतें राज्य नगर पालिका के संसाधनों की अनुपूर्ति है तो राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। तथा चौथा जो सुझाव देता है वह है सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे। तो इस तरह जो है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ए ऑप्शन राज्यों के बीच में वित्त से, बी राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, सी ऑप्शन है केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का संबंध जो है संघीय वित्त आयोग का संबंध राज्यों एवं केंद्र के बीच में वित्त से है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र एवं राज्यों के मध्य में वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी है नाबार्ड। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वित्त आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है ए एम खुसरो, बी के सी पंत और सी है मोंटेक सिंह, डी है सी रंगराजन। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग है और प्रथम जो थे वो के सी न्यूली की अध्यक्षता में वित्त आयोग 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। और जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में है वो एन के सिंह 15वें वित्त आयोग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग के मुख्य कार्य जो है केंद्र राज्यों के बीच में करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता है। और 281 के तहत अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। और जो वित्त 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के संदर्भ की अवधि में वर्ष 2005 से 10 तक की थी, इसके अध्यक्ष जो थे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। और 13वें वित्त आयोग जो थे वो विजय केलकर थे, 14वें वित्त आयोग थे वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया, 15वें वित्त आयोग नवंबर 2017 में
इनका नवंबर 2017 में डॉक्टर एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसने वर्ष 2020-21 के संदर्भ की अवधि है तो पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 की अवधि हेतु दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी है। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन है 10, 20, 8, 3, 9 और डी दिया 12। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। प्रेजेंट टाइम में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 12 तक इसमें से दिया हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। आप लोग याद रखिएगा 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 17, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है इंदिरा राजाराम, बी ऑप्शन है सी रंगराजन, सी ऑप्शन विजय केलकर, डी प्रतिमा से कौन। 13वें वित्त आयोग जो थे वो विजय केलकर हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ए ऑप्शन है शांता कुमार, बी सी रंगराजन, सी वाई वी रेड्डी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का क्वेश्चन नंबर 19 में वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है। ए ऑप्शन है 7 अन्य सदस्य, बी 5 अन्य सदस्य, सी 4 अन्य सदस्य और डी अन्य इतने सदस्य जितने समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो यहाँ पर जो होता है वो वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी जो है योग्यता का निर्धारण संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, सी ऑप्शन भारत का प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है संघीय वित्त मंत्री। ए ऑप्शन राइट आंसर होता है भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है कथन ए, राज्य वित्त आयोग का संवैधानिक निकाय करण और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुति कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ए सही है किंतु आर गलत है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है लेकिन संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संतुति नहीं करता है। जो है पंचायती राज एक राज्य का विषय है तो उसके लिए संघ ना करके राज्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(i) यानी कि 243 झा के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के एक वर्ष के अंदर तथा उसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 243(y) यानी कि 243(m) के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। इस स्थिति में राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहीं अनुच्छेद 283(b) के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराता है और यह राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाता है। तो इस तरह जो है हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 22, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया है, या एक अनौपचारिक संस्था है, बी या संवैधानिक संस्था है, डी या प्रशासनिक संस्था, दी उपयुक्त में से कोई नहीं। पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संवैधानिक संस्था है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य वित्त आयोग है एक क्या है, यानी विधिक संस्था, असंवैधानिक, संवैधानिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संवैधानिक संस्था। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये UPSC और RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट तथा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।